जय मसीह की। परमेश्वर के वचन को हम सुने और एक समय बिताते हैं परमेश्वर के साथ। बाइबल बताती है कि स्वर्ग तक पहुंचने का सिर्फ एक ही मार्ग है। बाइबल बताती है कि स्वर्ग तक पहुंचने का सिर्फ एक ही मार्ग है और वो मार्ग कोई और नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह है। जो कि यूहन्ना उसके 14 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है कि यीशु ने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अब इस दुनिया में उद्धार पाने के लिए कोई और दूसरा मार्ग नहीं है, सिर्फ एक ही मार्ग है और वो मार्ग है यीशु मसीह। आप दुनिया में कहीं भी घूम के आ जाओ, कहीं भी टहल के आ जाओ, कुछ भी कर लो, उद्धार पाना है, मोक्ष पाना है तो सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना होगा। जब तक आप यीशु में विश्वास नहीं करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप नहीं करते हैं, आप उद्धार नहीं पा सकते हो, उद्धार नहीं देख सकते हो, कोई और आपको मुक्ति नहीं दिला सकता है। आज ही यीशु पे भरोसा रखें, आमीन। आज ही यीशु पर भरोसा रखें, क्योंकि आज का दिन आपके लिए एक नया दिन हो सकता है कि आज ही प्रभु यीशु आपको उद्धार दे। आज आपके पास एक मौका है, आओ प्रभु के पास आओ, प्रभु भरोसा रखो, अपने पापों से मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रभु आपके ऊपर दया करेंगे। प्रभु 2000 साल पहले आपके लिए सब चीज़ों को आसान कर दिए, क्योंकि आपको आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सारी कीमत को उन्होंने अदा कर दिया है। बस आपको यही करना है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और अपने पापों से पश्चाताप करें। आइए हम वचन देखें, जो कि वचन रोमियो 10 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, यदि तू अपने मुँह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, आमीन। वचन कहता है तू अपने मुँह से यीशु को प्रभु जानकर क्या कर, अंगीकार कर, उसको अपना ले और यह विश्वास कर कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है। यदि यह विश्वास आप करते हैं, परमेश्वर आपको उद्धार देते हैं, आमीन। अब देखें हम वचन रोमियो 3:10। मान लें कि आप एक पापी हैं, जैसे कि रोमियो 3:10 में कहता है कि अगर इसको हम पढ़ें तो लिखा है कि जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, पूरे संसार की बात करता है मेरे प्रियो, इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे धरती पर वो कहता है कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, कहता है एक भी नहीं है। अगर आप अपने आप को धर्मी समझते हो तो आपके विषय में भी कहता है कि आप धर्मी नहीं हो, आप धर्मी नहीं हो, आपको धर्मी होना है तो प्रभु यीशु में विश्वास करना है, आमीन। रोमियो प्रेरितों 17:30 वचन हम पढ़ें, 17:30 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। परमेश्वर कहता है कि जब तुम अज्ञानता में थे, तुम में नहीं समझती, तो चलो कोई बात नहीं, तुम जैसा जीवन जिए जिए, पर अब क्या करता है, हर एक जगह पर सब मनुष्यों को मन फिराने का अवसर देता है। परमेश्वर आज एक अवसर दे रहा है इस वीडियो के माध्यम से, जब आप सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको एक मौका देता है कि आप मन फिराएं, आप पश्चाताप करें, प्रभु यीशु को अंगीकार करें अपने जीवन में। प्रभु यीशु आपसे बहुत प्यार करते हैं, आमीन। विश्वास करें कि यीशु मसीह आपके लिए बलिदान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से जी उठा,
रोमियो 10 अध्याय उसके 9 और 10 वचन में लिखा हुआ है। प्रार्थना करके यीशु को अपने जीवन में आने का निमंत्रण दें। आज प्रार्थना करें और यीशु को अपने जीवन में आने को निमंत्रण दें और कहें कि प्रभु आप मेरे जीवन में आए, और प्रभु मैं पापी हूँ, मैं मेरे पापों से पश्चाताप करता हूँ, प्रभु यीशु आप मुझ पर दया करें। परमेश्वर दयालु है, कृपामय है, वह आपको जरूर जरूर आपका उद्धार करेगा, जरूर आपके ऊपर दया करेगा। उसने मुझ पर दया की है, आप पर भी करेगा। वो हर एक उस मनुष्य ऊपर दया करता है जो उसके नाम पे विश्वास करता है। परमेश्वर बहुत दयालु है, वो मुक्तिदाता है हमारा, वह आपका मुक्तिदाता बन जाए। निमंत्रण दीजिए कि वह आपका मुक्तिदाता बन जाए, आपका मोक्ष करने वाला परमेश्वर बन जाए, आपका उद्धार करने वाला परमेश्वर बन जाए, जिसका नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने 2000 साल पहले आपके लिए, मेरे लिए, पूरे समस्त मानव जाति के लिए कलवरी के क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। उसमें कुछ भी पाप नहीं था, वो जरा सा भी पाप नहीं किया, ना वो गाली दिया, ना ही किसी के साथ मारपीट हुई, बल्कि उसने सिखाया कि गाली के बदले गाली न दो बल्कि आशीष दो। परमेश्वर चाहता है कि हर एक का अच्छा हो, हर एक का भला हो। परमेश्वर चाहता है कि आप भी उद्धार पाओ आपके जीवन में जो मुश्किलें हैं। देखो मेरे भाइयों, पाप हमेशा मुश्किल लेके आते हैं, हालात को ऐसे बना देते हैं कि आप उन हालातों से आप निकल नहीं सकते हो। जैसे कि एक बार अगर आप दलदल में अगर चले जाते हैं, कीचड़ में चले जाते हैं दलदल के, तो उस दलदल से आप तब तक नहीं निकल सकते हो जब तक कि आपका कोई सहायता करने वाला ना हो। जब कोई आपके ऊपर सहायता करता है, जब आपकी कोई मदद करता है, जब आपको उस कीचड़ से, उस दलदल से कोई जब आपको बाहर निकालता है, तब आप जानते हो कि आपके साथ क्या हुआ। इसी तरह से यीशु मसीह 2000 साल पहले हमारे लिए आए इस दुनिया में। हम उस पाप के दलदल में धंसे जा रहे थे, खींचते चले जा रहे थे उस दलदल में। कब हम उस दलदल में डूब जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ठीक समय पर वह हमारे लिए इस दुनिया में आया। आज वो ठीक समय आपके लिए है। आप कुछ और सोच रहे हो करने के लिए, हो सकता है आप अपने आप को एकदम निराशा में समझ रहे हो, एकदम हारे हुए समझ रहे हो, एकदम थके हुए समझ रहे हो, लेकिन प्रभु के ऊपर विश्वास रखो। वो कहता है, ए बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि आज आप बोझ से दबे हैं, बोझ के तले जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर आपको बुला रहा है, परमेश्वर आपको बुला रहा है, कहता है, मेरे प्रियो मेरे पास आओ, हे मेरे बेटे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि आप प्रभु भरोसा रखते हैं, तो आज वह आपको विश्राम देने के लिए तैयार है। आज वह आपका मुक्तिदाता बनने के लिए तैयार है। क्या भरोसा करते हैं? भरोसा रखिए। एक प्रार्थना करें, प्रिय परमेश्वर, मैं एक पापी हूँ और मुझे पापों से क्षमा प्राप्त करने की ज़रूरत है। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना बेशकीमती लहू बहाया और मृत्यु को अपनाया। मैं पापों से फिर जाने के लिए तैयार हूँ। अब मैं मसीह को अपने हृदय में, अपने जीवन में, अपने उद्धारकर्ता के रूप में आने का निमंत्रण देता हूँ। इस तरह की एक प्रार्थना करें, जरूर परमेश्वर आज आपके ऊपर दया करेगा। आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन है, आपके लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु पे भरोसा रखो। आज उस उद्धारकर्ता को
अपने जीवन में बुलाओ यीशु मसीह के नाम में।